नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अब चिंता ही नहीं बढ़ रही है, लेकिन अब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना के आंकड़े, मौत के आंकड़े सब बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पुणे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान। कल से 1 हफ्ते के लिए लगाया जाएगा लॉकडाउन पुणे में। बड़ी खबर आपके सामने, तस्वीरें हैं। मॉल, थिएटर, धार्मिक स्थल, सिटी बस 7 दिन तक बंद। शादी, अंतिम संस्कार को छोड़ के सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक। जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया। सीधे आपको लेकर चलते हैं, यहां पर अश्विनी मेरे साथ हैं। अश्विनी, पुणे में ये खबर आ रही है, क्या ये चीज अब पुणे से एक्सटेंड होगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है कि आज जब मुख्यमंत्री 8:30 बजे लोगों के सामने आएंगे और बातें रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि मुंबई को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाना है, महाराष्ट्र के और जो जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाना है। कल इस बात की संकेत किशोरी पेडणेकर, जो मुंबई की महापौर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुंबई में जो ट्रेनों में सभी को अनुमति दी गई है, हो सकता है कि सरकार इस पर जल्द ये फैसला ले कि जो पहले इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो लोग थे उन्हें परमिशन दी गई थी, उसी की तरह इस बार भी ऐसा कुछ किया जाए। इसके अलावा आपको याद होगा निशान, जब लॉकडाउन के बाद मिशन बिगिन अगेन एक जो है तैयारी शुरू की गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तब उसमें कहा गया था कि शुरुआत में जो दुकानें हैं सड़क के एक साइड की दुकानें एक दिन खुलेंगी, दूसरे साइड की दुकानें दूसरे दिन जो है खोली जाएंगी, वो पद्धति जो है इस बार फिर से लाई जा सकती है। आज एक बैठक है 4:30 बजे मुख्यमंत्री की राज्य के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, और इसमें ही फैसला लिया जाएगा कि मैं आ रहा हूं उस खबर पर क्या कुछ रणनीति अपनानी है। आपको याद दिला दूं, मैं आ रहा हूं उस खबर पर, आप मेरे साथ बने रहिए। आप लॉकडाउन की वापसी, आइए सीधे दिखाएं जरा यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आइए जरा प्ले करें इसको यहां पर, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, इस इंफॉर्मेशन को मैं आपको दिखा दूं, जरा ध्यान से देखें आप। लॉकडाउन की वापसी, पुणे में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 32% से ऊपर चली गई है इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, साप्ताहिक बाजार 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे, यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। दूसरी जानकारी जो हमारे सामने, स्कूल कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज पर आज हम बहुत खास कवरेज आपको दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर 10वीं 12वीं और MPSC की परीक्षाएं तय समय पर होंगी, कैसे होंगी चिंताजनक बात है। नेक्स्ट चेंज करें, अगले 2 दिन में 75,000 से 80,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर वली मेरे साथ हैं, डॉक्टर MC मिश्रा मेरे साथ हैं, डॉक्टर धीरज कौल मेरे साथ हैं। सभी मेहमानों का इंट्रोडक्शन, डॉक्टर धीरज कौल इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन एंड स्पेशलाइजेशन नेफ्रोलॉजी USA से हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। पुष्पेश सर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच पुष्पेश सर आप समय निकालने के लिए। पुष्पेश सर कोरोना वॉरियर भी हैं, और डॉक्टर वली वो आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर वली जो है सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वो भी कोरोना वॉरियर है। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, डॉक्टर वली अभी के जो हालात है सर, क्या ये समझा जाए कि अब सिर्फ पुणे ही नहीं लेकिन लॉकडाउन पूरे देश के लिए एक एक ऑप्शन अब बनता जा रहा है, जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं? निशांत, मैं आपको बार बार कहता हूं, आप इतने फिक्र के साथ, इतने मार्मिक तरीके से और इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को अवगत करा रहे हैं। वी आर हेडिंग टू द बैड टाइम, और कल का जो हमारा था कि बैड टू वर्स हो रहा है, तो आज आपने उसी से शुरुआत की है। परेशानी बढ़ रही है और हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा समझदारी से कदम उठाने पड़ेंगे। कल मैं अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था, वो मेडिकल का डॉक्टर है, और उससे मैंने ये कहा कि क्यों नहीं हम स्क्रीनिंग शुरू कर दें हर बड़ी बिल्डिंग के बाहर, हर स्कूल के बाहर। तो स्कूल तो अब बंद करने पड़ेंगे, सब बंद करने पड़ेंगे,
और जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें लोगों की आवाजाही जो है इम्पॉसिबल है रोकना, उसमें हर एक आदमी के हाथ में अपना एक छोटा सा टेस्ट हो, स्ट्रिप हो, भैया मैं कोरोना स्ट्रिप टेस्ट निगेटिव हूँ और मुझे अंदर जाने की इजाज़त हो, और ये 500 रुपये का खर्चा है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो इस तरह का हमें कुछ आगे करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल से सेंसिटाइज कर रहा हूँ लोगों को, और ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है, और ये करेंगे तो हम बचे रहेंगे, और हम जिस माहौल में जा रहे हैं वहां भी अंदर सब लोग सैनिटाइज्ड होंगे, वो भी बचे रहेंगे। इसमें थोड़ा एक अलग व्यू भी लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज आपसे बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर धीरज कॉल मेरे साथ है। डॉक्टर साहब मुझे पता लगा आपको जल्दी जाना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ थोड़ा ज्यादा रुके आज, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वहां का, वो एक्सपीरियंस भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखना। डॉक्टर धीरज कॉल से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सर जो अमेरिका में हुआ और हमने देखा वेस्टर्न कंट्रीज में जो हो रहा है, उसके बाद वो भारत में हो रहा है, अभी आपको भारत का एनालिसिस क्या लग रहा है? मैं एक आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप ये देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो केसेस भारत में आ रहे हैं उसके 60% से ज्यादा केसेस हैं। आप इसको कितना आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं भारत में? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए आप बहुत ही स्पेसिफिक और अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। मैं ये बात आप ही के चैनल पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बात की थी, जिस हिसाब से हमने पब्लिक गैदरिंग, सोशल मीटिंग्स एट प्रोटेस्ट, जो भारत में प्रोटेस्ट हो रहे थे बहुत बड़ी मात्रा में, और कहीं ना कहीं लोग मुझे भी इंडियन चैनल पे बता रहे थे कि देखिए यहाँ तो कोरोना नहीं होगा। तो साइंस को डिफाई कोई दुनिया की चीज नहीं करती अदर देन परमात्मा। तो कहीं ना कहीं वो जो 3 महीने का लैग हमारी स्टडीज दिखाती है कि अगर जब आप सोशल गैदरिंग करते हैं 3 महीने के अंदर आपको मैसिव रिजल्ट स्पाइक दिखते हैं। हमने अमेरिका में देखा था ब्लैक लाइफ मैटर्स में, जो सोशल जस्टिस के खिलाफ, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ रंग भेद का प्रोटेस्ट था, जस्टिफाइड था, लेकिन टाइमिंग खराब थी। वही भारत के अंदर आप देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट की टाइमिंग खराब है, अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस की टाइमिंग खराब है, रैलीज की टाइमिंग खराब। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पब्लिक को पे करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, वहां के एक्सपीरियंसेस पे के आधार पर कितने दिन में आप उसका इंपैक्ट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर? सपोज करिए कि आज पब्लिक इकट्ठा हुई है, तो 1 week, 2 week, 3 week, कितने दिन में उसके नंबर्स दिखाई देते हैं आपको? देखिए वो नंबर स्टार्ट होते हैं 3 weeks all the way up to 3 to 4 months, जो नंबर्स आपको एक्चुअली में दिखने लगेंगे सिग्निफिकेंट। तो अगर आज आप पब्लिक रैलीज प्रोटेस्ट करते हैं मैसिवली, तो 3 महीने के अंदर आपका हेल्थ केयर सिस्टम सर, मैं ये चीज प्रूफ करके बताऊंगा। आप जो बता रहे हैं मैं आपकी बात को प्रूफ करूंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बंगाल चुनाव को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे, आज उसके लेकर आंकड़ा और जो डॉक्टर धीरज कॉल ने कहा है कि 3 हफ्ते में इंपैक्ट शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया लेजेंड सीरीज कब खत्म हुई है? करीब 2 हफ्ते पहले। क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में सीरीज हुई थी और छत्तीसगढ़ में कैसे कोरोना बम फूटा है? क्या आप जानते हैं ये बात? ये सारी चीजें हम आपको कोराबोरेट करके दिखाने जा रहे हैं, जरूर देखिएगा। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की, बड़ी खबर। कोरोना रोकने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार का सख्त निर्देश, प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। और इसी के साथ मैं दूसरी ब्रेकिंग दिखा रहा हूं आपको, राहुल जरा दिखाइए, डबल वेरिएंट को लेकर चिंता है, दूसरी ब्रेकिंग, वो बड़ी खबर ये है। और राहुल दोनों खबरें दिखाइएगा। देश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी में कोरोना को लेकर इमरजेंसी बैठकों का दौर, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में करेंगे इमरजेंसी बैठक, महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण पर थोड़ी देर में सीएम उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक, ये दोनों खबरें दिखाइए। ये देखिए ये होता है पैनिक मोड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सीधे चलूंगा यहां पर कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, अनफॉर्चुनेटली पैनिक मोड, अब पछताए क्या हो, क्या मतलब अब तो पैनिक कर रहे हैं आप, पहले तैयारी कम थी, पहले आपकी जिसको कहा जाता है स्ट्रिंजेंट बिहेवियर होना चाहिए था वो कम था। एक बार फिर से निशांत अपना सवाल दोहराएंगे। मैं कह रहा हूं चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक हो, चाहे वो दिल्ली और मुंबई में इमरजेंसी बैठकों हो, ये सब पैनिक मोड है, जिसको कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शन। आपने स्टार्टिंग में अगर थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते तो क्या गलत था? निश्चित रूप से, और जिस तरीके की घटनाएं हाल के दिनों में देश में हुई है, जैसा कि आपने बताया कि जो सोशल गैदरिंग खास करके और सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हुए हैं जिसमें क्रिकेट मैच और कई तमाम सारी चीज़ें शामिल थी, उस पर सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई, और अब जब जाके
केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं, 10 गुना लगातार केस बढ़ा है पिछले 2 महीने में, 8,000 से सीधे 81,000 के ऊपर पार कर गया है, तब जाके सरकार की नींद खुली है और अब सरकार कह रही है कि सख्त की ज़रूरत है। इस सख्ती को अगर दो महीने पहले लागू किया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आप देखिए, आपको याद होगा कुंभ जब शुरू हुआ था उस समय RT-PCR टेस्ट जो है उसको मैंडेटरी नहीं किया गया था, बाद में जब केसेस बढ़ने लगे तब उन्होंने फिर से मैंडेटरी कर दिया। क्या मजाक बना रखा है? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो सोशल गैदरिंग है, सुपर स्प्रेडर्स इवेंट्स हैं, इसमें किसी भी तरीके का रोक नहीं है। अब जाके कहा जा रहा है कि राज्य सरकार स्वतंत्र है अपनी तरफ से लॉकडाउन तक लगाने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि जो छोटे से चीज़ से काम हो जाती, जो छोटे सख्ती से काम हो जाती, उसमें बड़ी सख्ती की क्या ज़रूरत पड़ गई है? मास्क जो है एक छोटा सा ये है कि आप मास्क लगाइए, लेकिन कई सारे आप पब्लिक प्लेसेस पे देखेंगे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और वहां पे बकायदा सख्ती अच्छा, भी नहीं। कुमार खुंदन, दिल्ली में जो बैठक हो रही है, अरविंद केजरीवाल जो बैठक ले रहे हैं, इस बैठक में क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस बैठक को लेकर पहले तो ये बताया जा रहा है कि स्कूलों को लेकर सरकार बहुत सख्त हो रही है कि स्कूल को फिर से जो है ऑफलाइन क्लास, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको दोबारा से शुरू करने की बात हो रही है। स्कूलों को नहीं रीओपन किया जाएगा क्योंकि 5 अप्रैल से स्कूल खुलने की बात हो रही थी। इसके अलावे सरकार जो है सोशल गैदरिंग पे भी पाबंदी लगा रही है और उसमें लोगों की जो है संख्या को उसको निश्चित कर रही है। सरकार चेतावनी भी जारी कर सकती है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि संभव है जो बड़े बाजार हैं उसको लेकर सरकार कोई फैसला करे कि कुमार कुंदना मेरे साथ बने रहिए, मैं एक बार क्विकली यहां पर दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें और पुष्पेश सर के पास आऊंगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर। कोरोना पर बैठकों का दौर तेजी से दिखाएं यहां पर दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव के साथ राज्यों के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक, एजेंडा संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन पर चर्चा। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर वो बड़ा तेजी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इमरजेंसी बैठक, दिल्ली में एजेंडा कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान पर चर्चा, वेल डन। नेक्स्ट मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक, महाराष्ट्र मुंबई में संक्रमण रोकने पर चर्चा। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर लखनऊ, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने की बात हुई है, ये यहां पर खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इसके साथ सीधे चलें पुष्पेश सर के पास बहुत क्विकली। पुष्पेश सर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जानकारी अभी सामने आ रही है, क्या आपको नहीं लगता सर ये नी जर्क रिएक्शन है? आपने खुद, मुझे याद है, ऑन एयर बोला था कि निशांत ये सारे इवेंट्स करते जा रहे हैं, सारी चीजें करते जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ेंगे, ये तो नी जर्क रिएक्शन है सर, ये किसका वेट करते हैं? ना वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखते हैं, ना खुद अपने एपिसोड से सीखते हैं। देखिए, मुझे लगता है निशान, तो सबसे खेद और दुख की बात है और गुस्सा दिलाने वाली बात है वो ये है कि हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी प्राथमिकताएं कोरोना से लड़ने से कहीं अधिक ये दिखाने की हैं कि हमने कोरोना का मुकाबला बड़ी अच्छी तरह कर दिया, हमने कारोबार को दोबारा खोल दिया, हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को मंद नहीं होने देंगे और लोगों के मन में यदि सामान्य जीवन जीने की आकांक्षा है तो उन्हें क्रेडिट का मैच भी खेल दे देंगे। जो दूसरी बात मुझे बेहद आपत्तिजनक लगती है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, केरल हो, वहाँ क्या कोई ऐसी आप जो चित्र दिखाते हैं चैनल पर, कोई ऐसा हमको भरोसा दिलाने वाला चित्र दिखता है कि लोग सामाजिक दूरी बनाए रखे हुए हैं या मास्क पहन रहे हैं और देश के बड़े बड़े नेता इन रैलियों की को संबोधित कर रहे हैं? तो मुझे लगता है यदि युद्ध काल है तो क्या इस बीमारी के साथ लड़ाई लड़ते हुए जिसमें देश की पूरी जान का खतरा है, तो हम लोग क्या ये आशा न करें कि कुछ समय के लिए चुनाव स्थगित हो सकते थे? अगर प्रकारांतर से आप कह सकते हैं चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, न्यायालय कुछ नहीं कर सकते, ये मुख्य चुनाव आयोग ही कर सकता है, मगर मुख्य चुनाव आयोग की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो लगे कि बिल्कुल ही महामारी से लड़ने में बिल्कुल चूक हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई कदम उसे उठाना चाहिए। कार्यपालिका भी वही है और इस समय न्यायपालिका भी कोई हस्तक्षेप सीधा नहीं कर सकती। तीसरी बात जो मुझे बहुत बुरी लग रही है कि हम दोहरे मानदंड क्यों अपना रहे हैं? हम कितने ही आस्तिक क्यों न हो, कितने ही आस्थावान क्यों न हो, कुंभ के समय जो नाटक नौटंकी हरिद्वार में हुई और जो एक मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री ने एक दूसरे की नीतियों को खारिज किया कि बिना रोक टोक के तो आस्था का प्रश्न हम होने देंगे, गंगा स्नान डुबकी लगाते रहेंगे, या वो क्रिकेट मैच मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हो रही हो या वो कहीं और इस तरह का शादी ब्याह का वो हो रहा हो। मुझे लगता है कि जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं उनको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी और शायद सरकार की सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पॉइंट टेकन सर।
पॉइंट टेकन। पुष्पेश्वर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, आइए जरा महाराष्ट्र दिल्ली का हाल बता दें, इसके बाद एक हमारे पास खबर है अहमदाबाद को लेकर, वो भी आप आपको बताएंगे। आइए प्ले करें यहां पर राहुल तेजी से। महाराष्ट्र और दिल्ली में एक्शन, नए बैन लग सकते हैं, महाराष्ट्र एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है दिल्ली में। नेक्स्ट चेंज करें, होटलों में बैठने की क्षमता 50% हो सकती है, होटल चलाई क्यों रहे हो भैया, घर में खाना खा लेंगे लोग। वैक्सीनेशन तेज करने पर चर्चा, दिल्ली की अगर बात हो रही है। नेक्स्ट चेंज करें, धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद हो सकते हैं, कंटेनमेंट जोन में सख्ती पर चर्चा। नेक्स्ट चेंज करें, बंद हो सकते हैं मूवी थिएटर मॉल, अस्पताल में बेड मैनेजमेंट पर चर्चा। नेक्स्ट, ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, इसके बाद मैं आपके सामने एक ब्रेकिंग लेकर आ रहा हूं। मुंबई के दादर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं, मार्केट में भारी भीड़, बगैर मास्क घूमते नजर आए लोग, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी लापरवाही बरत रहे हैं लोग, कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं लोग, कोरोना के खतरे के बाद भी लापरवाही। जरा दिखाइए इसको, मुंबई के दादर मार्केट, पूरी खबर दिखाइए जरा। मुंबई शहर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि मुंबईकरों को इससे कोई फर्क पड़ता है। मुंबई के दादर मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीड़ आप देख सकते हैं, लापरवाही आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती नजर आ रही हैं। मास्क क्यों नहीं पहना था सर आप? हाँ, मास्क क्यों नहीं पहना? अभी निकल गया था, मैं बोला था ना मिर्ची चाहिए, इसलिए मैं बोला था। रोज प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कि भीड़ ना किया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोई भी इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। शॉकिंग है ये सब सिचुएशन हमारे सामने है। मुंबई गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद रेलवे का बड़ा फैसला, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस एक महीने के लिए रद्द कर दी गई है। तेजस ट्रेन के लिए की गई टिकट बुकिंग को रद्द किया गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43,183 नए केस सामने आए, गुजरात में एक दिन में 2410 नए केस सामने आए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यह जरा ध्यान से देखें आप, और ये इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी है। एक बार मैं आपको इसके बारे में जरा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आइए जरा यहां पर संक्रमण गिरफ्तार को लेकर बात करें और फिर उसके बाद डॉक्टर मिश्रा के पास प्ले करिए यहां पर राहुल, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब देखिए नी जर्क रिएक्शन इसे कहते हैं, संक्रमण की तेज रफ्तार तेजस पर ब्रेक लगा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 43,183 नए केस सामने आए। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से, ये महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस है। नेक्स्ट चेंज करें, मुंबई 8,646 नए केस सामने आए हैं। फिर नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर मुंबई में एक दिन में संक्रमण का सबसे ज्यादा केसेस है। गुजरात में कोरोना के 2410 नए केस सामने आए हैं, अहमदाबाद में 626 नए मामले सामने आए हैं। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ, और अगर हो पाए तो वो जो विजुअल्स हैं सब्जी मंडी के उनके साथ, मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर मिश्रा के पास। सर क्या सोल्यूशन है, कैसे निकलेंगे इससे, कैसे निपटा जाए, अब चीजें हाथ से निकल गई? नहीं, इसके निशान जी निकलने के बहुत आसान तरीके हैं, अगर लोगों का सहयोग हो और सरकारों की थोड़ी सी सख्ती हो तो बिल्कुल इससे निकला जा सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने केस पहले भी आए थे और फिर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं संक्रमण के, और लेकिन इसमें जो हम लोगों से भी गलती हुई है, जनता से भी गलती हुई है और बाकी सभी लोगों से भी हुई है कि 10,000 केसेस को ये समझ लेना कि वो जीरो हो गए और कोविड ख़त्म हो गया, ये लोगों में भ्रम बन गया। और वैक्सीन आने से लोगों को ऐसा लगने लगा कि वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन आते ही थोड़ी कोई कोविड चला जाएगा, वैक्सीन लगनी भी है। अभी देखिए हमारे देश में 5% लोगों को वैक्सीन लगी है, उसमें भी दोनों डोज नहीं लगी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, लोगों को लगा कि वैक्सीन आ गई कोरोना चला जाएगा, मतलब कोरोना वैक्सीन का नाम सुन के भाग जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस और रेजिस्टेंट होता जा रहा है, उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, जरा इस बारे में समझाइए प्लीज। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं, हम लोग आपके इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आरएनए वायरसेस का चरित्र बदलना बड़ा स्वाभाविक एक उनका होता है स्वभाव, और उसमें पहले तो ये था कि भाई यूके में हुआ है साउथ अफ्रीका वेरिएंट, यूके वेरिएंट, ब्राज़ील, अब देखा जब 18 राज्यों में 11,000 सैंपल्स को एनालाइज किया तो उसमें विदेशों से आया हुआ जो म्यूटेशंस था वो तो बहुत कम था, 800 लोगों में था, और उसमें पंजाब में यूके का वेरिएंट पाया गया। लेकिन अभी जो वेरिएंट चल रहा है ऑफ कंसर्न महाराष्ट्र और पर्टिकुलरली मुंबई में, वो 20-30% जो है वो हमारा अपना इंडिजीनस म्यूटेशंस है, और उसमें डबल म्यूटेशंस की भी बात हो रही है जो ये वैक्सीन को स्किप कर देते हैं, वैक्सीन पे का असर नहीं होता इन वेरिएंट्स पे।
और बेंगलोर में 44% जो म्यूटेशंस हैं वो लोकल हैं, मतलब भारत के हैं। तो और 100 से ज़्यादा म्यूटेशंस भारत में नोटिस कर लिए गए हैं हमारे वायरोलॉजिस्ट और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। तो ये अब हम जो इसमें कर सकते हैं, सुपर स्प्रेडर्स जो है, अभी कल भी मैं एक प्रोग्राम पे था दूरदर्शन के, तो DGHS थे, तो मैंने ये उनसे कहा कि अब सभी वर्गों के, सभी एज ग्रुप्स के लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया जाए। सही बात, जिसमें 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष वालों को भी शामिल जल्दी से जल्दी। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सभी एज ग्रुप को लेना चाहिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, क्योंकि देश में कोरोना से तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 81,398 कोरोना से 24 घंटे में 468 लोगों की जान गई है, यह भी बड़ा आंकड़ा है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, हम फिर बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में पहले दिन 36 लाख से ज्यादा टीकाकरण, कोवैक्सीन के तीसरे डोज के ट्रायल को मिली इजाजत, यह भी एक बड़ी खबर है। मैं बिग वॉल पर आपको कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद में कुमार कुंदन के पास आऊंगा, और फिर जो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं उनके पास, जरा प्ले करें यहां पर, बड़ी तेजी से एक चीज आपको बताना चाहूंगा, प्ले करें इसको यहां पर राहुल। ये देखें, कोरोना से सावधान, कोरोना और वैक्सीनेशन, ये दोनों चीजें हम आपके सामने एक स्टडी लेकर आए, इसको देखें यहां पर। दूसरी लहर में संक्रमण तेज, वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। नेक्स्ट चेंज करें, 8 राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस, तीसरे फेज के पहले दिन 15,29,000 लोगों को वैक्सीन। नेक्स्ट, नए स्ट्रेन से बड़ा संक्रमण, कुल 6.75 करोड़ लोगों को वैक्सीन, वेल डन। छत्तीसगढ़ में नया स्ट्रेन मिला, स्पुतनिक वी को मंजूरी नहीं मिली है, यह भी आपके सामने है। वैक्सीनेशन और कोरोना दोनों की रफ्तार देखें, छत्तीसगढ़ में नया स्ट्रेन, कोवैक्सीन के बूस्टर डोज के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। बूस्टर डोज यानी वो बोल रहे हैं कि कोवैक्सीन का थर्ड डोज भी होगा, उससे मदद मिलेगी। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मौजूद है कुमार कुंदन। कुमार कुंदन, एकदम सत्य बताइए, सरकार को क्या लग रहा है, 1 लाख या 1 लाख से भी ज्यादा जाएगा इस बार? देखिए, इस बारे में कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कई सारे थ्योरीज हैं, बताया जा रहा है कि स्पैनिश फ्लू का जब दूसरा वेव आया था तो पहले से ज़्यादा खतरनाक था, पहले से ज़्यादा आया था। अभी की अगर बात करें जाए तो ये दूसरा वेव जिस तरीके से हिंदुस्तान में आया है, उसके बाद से सरकार बिल्कुल भी ये समझने को तैयार नहीं है, या समझ नहीं पा रही है कि आगे क्या होगा, और कोई बताने की स्थिति में भी नहीं है। क्योंकि जो डबल वेरियंट्स आ रहे हैं, आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने जिसकी चर्चा भी की है, उससे सजग रहने की ज़रूरत है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पहले से ज़्यादा इन्फेक्शियस है, अगर पहले से ज़्यादा संक्रामक है तो निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी से केसेस बढ़ेंगे। और जो दिख रहा है, मैंने बताया अभी कि 2 महीने में 10 गुना ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ गए हैं, तो आने वाले दिन में क्या होगा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाए और कोरोना के संक्रमण को रोकने में कहीं ना कहीं एक कामयाबी हासिल की जाए। सरकार ने इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अब 7 दिन वैक्सीनेशन कराने का फैसला किया, टाइम लिमिट को हटा दिया है। ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक बात है। मेरे साथ बने रहिए डॉक्टर धीरज, मैं आपके पास आ रहा हूँ अगली खबर लेकर जो स्कूल्स के ऊपर है। लेकिन डॉक्टर वली सर, आपने कोरोना से लड़ाई भी लड़ी है और आप ऐसे कई सारे केसेस को देख भी रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है, क्या वाइल्ड एस्टिमेट है इस बार ये कोरोना का जो अंकगणित है वो कहां तक जाएगा? क्योंकि हम चाहते हैं लोग समझे तो कि ये कितना ज्यादा विशाल रूप ले सकता है। पिछली बार मार्च के महीने में 500 से 1,000 केस थे, इस बार अप्रैल शुरू होते 81,000 ये दिख रहा है। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, नंबर वन। नंबर टू, ये होटल, स्कूल, दुकान, और ये दादर का जो आप सीन दिखा रहे हैं ये तो बहुत ही परेशान कुन है। ये दादर वाला जो सीन है ना, ये तो बिल्कुल इट इज किलिंग। और इसके अलावा जो आपने कहा ना, परेशानी वाली सिचुएशन है, और इसमें किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इससे लड़ लेंगे। इस वक्त जो है वैक्सीन का तो टाइम है, जब ये जो इसका पीक बहुत ऊपर चला जाएगा, जब वैक्सीन की इम्यूनिटी आएगी। वैक्सीन पे हम नहीं डिपेंड कर सकते, इस वक्त हम सिर्फ डिपेंड कर सकते हैं स्ट्रिक्ट मेजर्स पे, और वो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं मास्क, 6 फीट की दूरी, डिमार्केट द क्लस्टर, कंट्रोल एट दैट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट प्लान्स, क्योंकि आज ये करने जा रहे हैं सब। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, मैं आपका एक एस्टिमेट लेना चाह रहा हूं, बता तो कोई भी नहीं सकता, क्या आपको लगता है कि इस बार 1 लाख से बहुत ऊपर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, और जो आप कह रहे हैं और हम कह रहे हैं उससे शायद और ज्यादा ही चला जाए। मैं बहुत ही फोल्डेड हैंड्स के साथ ये स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ अपनी जबान से, लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं है। क्योंकि ये जो हम वेरिएंट्स की बात कर रहे थे, पिछली बार नहीं थी हमारे साथ, हमारे समाज में नहीं था, वेरिएंट्स नहीं थे, और ये जो यूके स्ट्रेन नहीं था,
ब्राजीलियन स्ट्रेन नहीं था, अफ्रीकन स्ट्रेन नहीं था, और ये जो वायरस मैंने आपके पिछली बार भी कहा था, वायरस इज ट्राइंग टू बिकम मोर इन्वेजिव टू द ह्यूमन बीइंग एंड मोर फ्रेंडली टू सर्वाइव इन आवर बॉडीज। ये वायरस जाना नहीं चाह रहा है, ये वायरस मरना भी नहीं चाह रहा है, ये हमसे दोस्ती करके हमारी बॉडीज में रहना चाह रहा है और उसके लिए ये हर तरह के जतन कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक चलती हुई चींटी देखिए, आप उससे दूर उंगली रखते हैं और चींटी रुक जाती है, हमने बचपन में खूब देखा है, वायरस उससे बहुत ज्यादा चालाक है और ये अपनी बचाव के सब काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, लेकिन आपको अफसोस होगा सुनकर, आपको अफसोस होगा जो मैं अगली खबर बता रहा हूँ, स्कूल जो है वो बनते जा रहे हैं भारत में कोरोना के सुपर स्प्रेडर, बड़ी खबर। इसके बाद मैं आ रहा हूं डॉक्टर धीरज के पास। बढ़ते संक्रमण के बीच कई राज्यों में खुले हुए स्कूल, अभिभावक परेशान हैं, कई राज्यों में स्कूलों से फैला संक्रमण, छात्र हुए कोरोना के शिकार, ये हैरान करने वाली खबर है। सीधे यहां पर आइए, मैं अब आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको स्कूल का वो आंकड़ा बता देता हूं राहुल, सबसे पहले वो वाला वॉल बताएंगे हम कि कहां कहां स्कूल से कोरोना फैला, पहला वो दिखा दीजिए, आइए जरा पहले दिखाइए कहां कहां, ये देखें आप, 25 छात्राएं झारखंड में कोरोना पॉजिटिव, यहां पर नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर कहां कहां स्कूल से, स्कूल खुलने के दो महीने में 250 शिक्षक और छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए पंजाब में, नेक्स्ट चेंज करें, रोहतक के जवाहर नवोदय विद्यालय में 47 लोग कोरोना पॉजिटिव, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर अंबाला में शिक्षक और 7 छात्र कोरोना पॉजिटिव, नेक्स्ट चेंज करें, जम्मू कश्मीर 2 स्कूलों के 50 छात्र कोरोना संक्रमित, जम्मू कश्मीर जहां से बहुत कम कोरोना के आंकड़े आए हैं, लखनऊ लामाट बॉय स्कूल का 6 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, नेक्स्ट चेंज करें। अब आप देखें ये सब होने के बाद कैसे आंखों पे पट्टी बांध के रहते हैं राज्य, देखें स्कूल बनेंगे सुपर स्प्रेडर, राहुल जरा चेंज करें बताइए स्कूलों को लेकर, स्कूलों पर स्थिति साफ नहीं है, बिहार बंद होंगे खुलेंगे साफ नहीं आ रहा, नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर हरियाणा स्कूल खुले हुए, कुछ स्कूल अभी बंद करने की बात चल रही है, राजस्थान 6 से 8वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं, लद्दाख 6ठी से ऊपर के स्कूल खुले हुए हैं, 6ठवीं से ऊपर के, मध्य प्रदेश 8वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं, लेकिन उसके ऊपर पंजाब 10 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद, अब जाग गए हैं, यूपी 8वीं तक के स्कूल बंद, उसके ऊपर गुजरात 10 अप्रैल तक स्कूल बंद हैं, दिल्ली 8वीं तक के स्कूल बंद हैं, तमिलनाडु स्कूल बंद हैं, तेलंगाना सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, छत्तीसगढ़ स्कूल बंद हैं, हिमाचल प्रदेश सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। राहुल मैं चाहूंगा पहले वाला ग्राफिक्स उसमें ज्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद ये बीच बीच में दिखा देंगे डॉक्टर धीरज के पास। सर अमेरिका में क्या स्टेटस है, अमेरिका में स्कूलों का क्या स्टेटस है, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका और इंग्लैंड में स्कूल सुपर स्प्रेडर बने थे। जरूर, मैं एक मिनट लेके, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिए तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रेज करना चाहता हूं जो कि मेरे आर्टिकल में मैंने सबमिट की है अमेरिका में हेल्थ इकोनॉमिक्स की जर्नल के लिए। तो 3 चीजें हैं जो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा जो आप लोगों ने भी मेंशन की है। पहली बात तो वैक्सीन की जो पेस है वो भारत में बहुत स्लो है। अगर आप अमेरिका को कंपेयर करिए तो 23.6% ऐसे लोग हैं, आई विल राइट टू रेज, जिनको वैक्सीन 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें एक डोज मिल चुकी है, 16.9% ऐसी आबादी के लोग हैं जिन्हें पूरे वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोज मिल चुकी है। भारत में 4.3% ऐसे लोग हैं जिनको एटलीस्ट एक डोज मिली है, 0.7% है जिनको दोनों डोज मिल चुकी है, ये बावजूद इसके कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत के अंदर काफी वल्नरेबल सिचुएशन है। सेकेंड इशू ये था कि वैक्सीन के बारे में बहुत भ्रांतियां फैलाई गई और आज भी डॉक्टर्स भी रेजिस्टेंट है वैक्सीन लेने के लिए। तीसरा है एक्सेस टू वैक्सीनेशन, जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 45 साल से हर किसी को ऊपर आपने कर दिया, लेकिन उससे कम के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है लेस देन 45, क्योंकि भारत में डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जो बड़े रिस्क फैक्टर हैं कोविड के लिए, वो बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं पिछले 10 साल में, उन्हें यूज करना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, हमें उस बारे में पता है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जीन सीक्वेंसिंग का अमाउंट बढ़ाना है ताकि आपको वेरियस रेसिस्टेंट स्ट्रेन के बारे में पता लगे। भारत का इंडिजिनियस स्ट्रेन डेवलप होगा, ये मैं नवंबर में आप ही के शो में बात कर चुका हूँ। तीसरी बात, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको 7 डेज अ वीक अब जाके किया गया है, जो 2 महीने पहले किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्लानर्स हैं उनके अंदर बहुत खामियां हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम नहीं करता कि उनका काम नहीं है, लेकिन जो हेल्थ के प्लानर्स हैं वहां बहुत बड़ा डेफिसिट साइंटिफिकली, एज अ साइंटिस्ट मैं देख रहा हूं, सर, हम लोग नहीं सीख रहे। आप क्योंकि अमेरिका से हैं इस वक्त, अब मैं स्कूल के बारे में जानना चाहूंगा।
हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि स्कूल्स एक सुपर स्प्रेडर इवेंट होता है, क्योंकि बच्चे सारे साइंस दिखा रही है कि वो वायरस को कैरी करते हैं अपने नेजल फेरेंजियल एरियाज के अंदर और दे देते हैं, उनके सिम्टम्स नहीं होते, उनकी मोर्टेलिटी बहुत बहुत कम है अनलेस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो स्कूल से बच्चे अपने दादा दादी को दे देंगे। अमेरिका के अंदर स्कूल्स ऑन है लेकिन बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रैक्टिकली काफी सोशल डिस्टेंसिंग करके स्कूल जाते हैं। तो स्कूल, कॉलेजेस, टीवी थिएटर, ये मैचेस जो कि लाइफ एसेंशियल एक्टिविटीज नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए। और कर्फ्यू एक दिन रात को लगाने से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, हाँ एक बिहेवियर पैटर्न में चेंज आएगा। और वैक्सीनेशन, एक लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि किसी भी वैक्सीनेशन की 100% एफिकेसी नहीं है। रेजिस्टेंट स्ट्रेन एस्ट्राजेनिका का रेजिस्टेंट स्ट्रेन अगर आप साउथ अफ्रीकन का देख लीजिए तो 55% एफिकेसी है। तो जब तक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आपने जो पॉइंट रखा है, हरिद्वार कुंभ में साफ दिख रहा है कोरोना का डर, कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, पहले दिन हर की पौड़ी पर बहुत कम श्रद्धालु पहुंचे, कुंभ में 60-70 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई है, हरिद्वार में 1 अप्रैल से RT-PCR जांच जरूरी, 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। इसके बाद राहुल, इसके बाद मैं एक और खबर और दोनों खबरें साथ दिखाएंगे। अगली खबर देखें, बंगाल में मई जून में चरम पर हो सकती है कोरोना की दूसरी लहर, विशेषज्ञों को चुनाव के बाद बंगाल में कोरोना विस्फोट का डर, चुनाव के दौरान सभी गाइडलाइंस का धड़ल्ले से उड़ रहा है मजाक, 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1300 नए केसेस, बंगाल में 30 से 40 दिनों में कोरोना केस में 4 गुना वृद्धि हुई है। ये देखिए चुनावों के बारे में जो लोग बोल रहे थे, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा इस ब्रेकिंग के बाद राहुल जरा तीनों तस्वीरें दिखाएं, हरिद्वार, दादर सब्जी मंडी और पश्चिम बंगाल, हरिद्वार, दादर सब्जी मंडी और पश्चिम बंगाल, ये है कोरोना के बाद देश का हाल। अब आप क्या कहेंगे इस पर, सोचिए आप, हरिद्वार, दादर सब्जी मंडी और पश्चिम बंगाल, ये सब आपके सामने, जरा आइए जरा तुरंत यहां पर बिग बॉल दिखाएं और उसके बाद में पुष्पेश सर के पास इसे एक मैक्रो व्यू लेना चाहूंगा। सावधान, बंगाल में कोरोना विस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। यहां पर ये देखें, एक्सपर्ट्स को आशंका है कि बंगाल में जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है जो बेहद गंभीर होगी। नेक्स्ट, एक्सपर्ट्स ने हाल के दिनों में बड़े कोरोना केस के लिए आम लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है, बड़ी संख्या में लोग राजनीतिक रैलियां और बैठकों में बिना मास्क के शामिल हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पिछले 30 से 40 दिनों में कोरोना के नए केस में 4 गुना से ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। यहां पर एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये एनालिसिस करके दिया। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ वो दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे आए पुष्पेश सर के पास। सर क्या कहेंगे, सर ये अज्ञानता मोक्ष है और यहां पर चुनाव ही मोक्ष है? तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमको ये बात कबूल करनी पड़ेगी, हम कितने ही आस्थावान क्यों ना हो, कितने ही बड़े आस्तिक क्यों ना हो, धर्म हमारा निजी मामला है। सार्वजनिक क्षेत्र में महामारी के काल में संक्रमण फैलाने वाले रोग के काल में उसका कोई स्थान नहीं है, इसमें धर्म निरपेक्षता का कोई प्रश्न नहीं है। यदि भारत अपने को घोषित भी कर ले कि हिंदू राष्ट्र है, तब भी कुंभ मेले पर कोई ना कोई अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसी तरह मुझे लगता है जो आपने चुनाव की बात की, आज हम कह रहे हैं विस्फोट की संभावना बंगाल में है क्योंकि बंगाल में चुनाव अनेक चरणों में हो रहे हैं और सबसे पहले शुरू हो गए थे। क्या ये संकट असम में नहीं है? क्या ये संकट तमिलनाडु में नहीं है? क्या ये संकट पुडुचेरी और केरल में नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये सारे संकट राजनीतिक दोहरे मानदंडों के चुनाव को लेकर जो हर राजनीतिक दल के हैं, और जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को पहली बार इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि यदि चुनाव की घोषणा होने के बाद इस तरह का कोई संकट होता है, कोई आपातकाल होता है, कोई प्राकृतिक आपदा होती, तो क्या चुनाव निर्विघ्न हो रहे होते? इसका कोई प्रावधान हो या ना हो, मगर मेरे ख्याल में आपातकाल में जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो भी होनी चाहिए कि जहां तक चुनाव हो गए बाकी शायद स्थगित किए जा सकते हैं, मगर इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा राजनीतिक दल, न सत्तारूढ़ दल न विपक्ष। और मुझे लगता है जो तीसरी बात आपने कही थी, कहीं ना कहीं जो आपने दादर का दृश्य दिखाया वो दिल्ली की सब्जी मंडी का भी दृश्य हो सकता है, मगर जो मुझे मूर्खता सबसे बड़ी लगती है, जो बिल्कुल जो डॉक्टर साहब डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे, जो बिल्कुल अनिवार्य चीजें नहीं है उनको छोड़कर उन पर रोक लगनी चाहिए। क्यों सरकार ये निर्णय नहीं लेती कि एक पूरा वर्ष जो है छात्रों को उसका मुआवजा जीरो सेमेस्टर होना चाहिए, छात्र स्कूल खुलेंगे ही नहीं, कहीं नहीं खुलेंगे, न निजी न व्यक्तिगत न सरकारी। तो ये मुझे लगता है। और एक जो ये वो एक्ट है संक्रामक रोगों का और एपिडेमियोलॉजी महामारी से लड़ने वाला,
उसमें जब यदि केंद्रीय विभाग आयकर के छापे मार सकते हैं तो वो अनुशासन संघीय व्यवस्था में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुष्पेश जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को कुछ खबर दिखाने जा रहा हूं पुष्पेश सर, जो अभी थोड़ी देर पहले धीरज जी ने बात कही थी उसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूं, जरा देखिएगा आप। अब सचिन तेंदुलकर की खबर के साथ साथ मैं आपको छत्तीसगढ़ की भी खबर दिखाऊंगा, दोनों का क्या कनेक्शन है आप समझ जाएंगे। चलिए मैं समझाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले कोरोना होने के 6 दिन बाद अस्पताल में भर्ती हुए सचिन, चिंताजनक बात है। सचिन ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों की सलाह के बाद सचिन हुए अस्पताल में भर्ती। 27 मार्च को ही कोरोना संक्रमित हुए थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4617 नए केसेस। मैं चाहूंगा सचिन की ब्रेकिंग भी बगल में दिखाएं। दुर्ग में 24 घंटे में 996 केस आने के बाद टोटल लॉकडाउन का फैसला। दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लगेगा लॉकडाउन। रिव्यू के बाद और जिलों में भी लगाया जा सकता है लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान होगी सख्ती, बाहर निकलने पर बैन। अब आप लोग सवाल कर रहे होंगे कि सचिन का छत्तीसगढ़ से क्या ताल्लुक है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग साथ में रखें और मैं सीधे लेकर चलूंगा आपको डॉक्टर मिश्रा के पास और उससे पहले अश्विनी के पास। अश्विनी, सबसे पहले सचिन का क्या हाल है यह हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इंडिया लेजेंड सीरीज खेली थी रायपुर में अगर आपको याद हो, उसके बाद कई सारे क्रिकेटर्स पॉजिटिव हुए और जैसा कि डॉक्टर धीरज कौल ने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, कोई भी इवेंट होता है उसके 3 वीक्स के अंदर रिजल्ट दिखते हैं। इंडिया लेजेंड सीरीज खत्म होने के कुछ हफ्ते के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर बंगाल से ज्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं सीधे। अश्विनी, सचिन का क्या हाल है? जी देखिए, सचिन को कल शाम को ही उनके घर एम्बुलेंस गई थी, उन्हें इस वक्त रिलायंस अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ माइनर सिम्टम्स सचिन को जब उन्होंने टेस्ट कराया था तब दिखे थे, हालांकि वो इतने जो है खतरनाक नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें एडमिट किया जाए, लेकिन वो सिम्टम्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से सचिन को बीती शाम जो है एडमिट कराया गया, जहाँ पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। सचिन की तबीयत, आई एम रशिंग थ्रू इट, डॉक्टर मिश्रा मेरे साथ है। सर जो भी इवेंट हो रहा है उस इवेंट के 3 वीक्स के अंदर, 4 वीक्स के अंदर हम एक्सप्लोजन देख रहे हैं। बंगाल एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, जो वहां पर केयरलेसनेस चल रही है, ओवरऑल एक तरफ कुंभ चल रहा है। सचिन का एग्जांपल हमने इसीलिए दिया क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो इवेंट हुआ था। योर टेक सर। नहीं, इसमें तो निशा जी कोई कहने की बात ही नहीं है। हमने देखा शादियों में से लोग 100-100, 300-300 लोग संक्रमित हुए, और एक जो इसमें अपवाद है वो बिहार इलेक्शन है। अगर आपको याद होगा बिहार इलेक्शन पूरे कोविड पीक पे था तब हुए थे, और फॉर सम रीजन और द अदर वो बिहार में अवस्था नहीं बनी जो आज हम महाराष्ट्र में या और जगह देख रहे हैं। अब उसका क्या कारण था ये तो जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है वो विश्लेषण करके बता सकते हैं। तो हम लोग वी कैन होप ओनली फॉर द बेस्ट, लेकिन जो करना चाहिए, जो टीकाकरण का जो गति है उसको जरूर अवश्य बहुत गति देने की आवश्यकता है, जिससे हम 15 लाख कल हुए हैं पहले दिन जब तीसरी फेज शुरू हुई है, तो इसको कम से कम 50 लाख रोज और उससे भी ज्यादा 2-3 हफ्तों में हम 1 करोड़ रोज के अवस्था में पहुंचे, तो इस संक्रमण पर कुछ काबू पाया जा सकता है और लोगों का व्यवहार बदले। जिस तरह से आपको भी याद होगा कि IIM अहमदाबाद के छात्र, 5 छात्र जिनको RT-PCR पॉजिटिव था जी। उन्होंने तो बताया किसी को और छुपाया, एक तो गलत एड्रेस दिया और उसके बाद पूरे कैंपस में घूमते रहे, सबसे मिलते जुलते रहे, अपना एग्जाम देते रहे, और उससे IIM अहमदाबाद में बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। और आपको ये भी याद होगा सितंबर में हम लोग आपके साथ प्रोग्राम कर रहे थे जब ये स्कूल कॉलेज खोलने की बात चली थी जी, और हम लोगों ने बहुत सख्ती से ये कहा था उस समय, आपने कहा था गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे 0 ईयर हो जाए। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और मैं एक एग्जांपल आप सब दर्शकों के सामने लेकर आ रहा हूं। मेरे सभी मेहमानों का, सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कुमार कुंदन और अश्विनी बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना के शिकंजे में बॉलीवुड के कई स्टार्स, रणवीर के बाद आलिया भट्ट भी हुई कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित होने के बाद ICU में भर्ती बप्पी लहरी, कोरोना की चपेट में अभिनेता कार्तिक हुए होम क्वारंटीन। आइए अब आपको दिखाते हैं कौन कौन से फिल्म स्टार्स, क्योंकि उनका पार्टियों का दौर भी काफी चल रहा था वहां पर,
वो जो मामला है उसको जरा आप देखें, कोरोना के बाद क्या क्या हुआ है यहां पर। ये आलिया भट्ट, आमिर खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, विक्रांत मैसी, मनोज बाजपेयी, बप्पी लहरी, तारा सुतारिया, मोना लीसा और आर माधवन, ये सब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, लेकिन प्लीज सावधान रहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।